तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले USAT 10 का आज का दिन का जो सेकेंड नंबर मैच होने वाला है, जो कि अभी थोड़ी देर में मैच होने वाला है, न्यू वॉर्क कॉरियर्स वर्सेस मोरिस वैली यूनाइटेड के बीच में मैच होने वाला है। मतलब NYKW वर्सेस MRV के बीच में मैच होगा। तो आज का दिन का सेकेंड नंबर मैच, जो कि भाई फ्लोरिडा क्रिकेट ग्राउंड पे ही मैच होने वाला है। तो आप लोगों को वही क्रिकेट ग्राउंड पे मैच हो रहा है, जो कि फर्स्ट एंड सेकेंड इनिंग को उतना ज़्यादा एडवांटेज कोई भी टीम को नहीं मिलेगा। लेकिन आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन बताएंगे, बस वीडियो आप लोगों को अंत तक देखना है, आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन बता देंगे। तो इन दोनों के बीच में आज का दिन का जो सेकेंड नंबर मैच होने वाला है, इसके लिए पहले तो बता देते हैं, इन दोनों के बीच में एक हेड टू हेड भी मैच हो चुका है। तो इन दोनों के बीच में जो हेड टू हेड मैच हुआ, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। इन दोनों के बीच में जो हेड टू हेड वाला मैच हुआ था, देख सकते हो NYKW की टीम ने फर्स्ट मैच करके 124 का पारी खेल दिया था, 8 विकेट 3 विकेट का बाद दिया था। वही दूसरी तरफ से MRV की टीम ने 118 का पारी खेल दिया था, 5 विकेट का पाके, मतलब मैच विन नहीं कर पाया था, लेकिन अच्छा खासा रन बनाया था दोनों ही टीम से। तो विकेट भी गिरा था, आर्टिफिशियल विकेट फ्रेंडली रहने वाला है उस ग्राउंड पे। तो आप लोगों को फोकस करके चलना है। तो अभी जो इन्फॉर्मेशन बताएंगे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा GL के लिए आप लोग GL हासिल कर लो, इतना ही आप लोगों को GL के लिए। और जो भाई अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, जाकर डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाना, एंड फर्स्ट कमेंट पर भी लिंक मिल जाएगा, जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम पर आप लोगों को फाइनल टीम एंड अपडेट मिलती रहती है। अभी बात कर लेते हैं इन दोनों के बीच में जो प्लेइंग 11 रहने वाला है। जैसे कि NYKW की तरफ से कामरान अकमल आता है इनिंग पे, 424 का पारी खेला था। देन उसके साथ आया था तिलक रत्ने दिलशान, जो कि 21 का पारी खेला था। देन रिचर्ड बेली, जो कि 66 का पारी खेला था, 25 बॉल, मतलब टॉप ऑर्डर का सभी प्लेयर, टॉप क्लास प्लेयर है। तो बिल्कुल ट्राई करके चलना है आप लोगों को। देन शाहिद अफरीदी के 99 का पारी खेला था 7 बॉल पे। देन आने वाला है मिसिबुल हक, जे साठर, यू आशिफ, ए राजा, केस खान, जे टाइलर, डी प्रसाद, जे बोथा। तो इनका जो प्लेइंग 11 है, आप लोग स्क्रीन शॉट करके लीजिए, आप लोगों को अच्छा खासा नॉलेज मदद मिल जाएगा अपने आप से GL का टीम क्रिएट करने में। उससे पहले बता देते हैं, जो भाई न्यू है भाई, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचने के लिए। तो ये आप लोग स्क्रीन शॉट करके लीजिए, ये है NYKW के जो प्लेइंग 11, आप लोग देख सकते हो एंड आप लोग देख लीजिए। एंड इनका जो बॉलिंग ऑर्डर वो भी दिखा देते हैं। NYKW के तरफ से भाई बॉलिंग ऑर्डर पे सोहेल खान 2 ओवर करता है, लास्ट मैच में 2 ओवर 24 देखे विकेट नहीं मिला। जेरोम टेलर 2 ओवर 18 देखे विकेट नहीं मिला। धामिका प्रसाद 2 ओवर 8 रन देखे 2 विकेट। उमर आसिफ ने 2 ओवर 22 देखे 3 विकेट। शाहिद अफरीदी 2 ओवर 37 देखे विकेट नहीं। तो इनका जो प्लेइंग 11, इनका जो बॉलिंग ऑर्डर पूरा आप लोगों को बता दिया, इन्हीं बॉलिंग ऑर्डर से आने वाला है, एक दो चेंजेस होगा आप लोगों को टेलीग्राम पे मतलब बता देंगे। तो आप लोग ये स्क्रीन शॉट करके लीजिए, ये रहने वाला है NYKW का बॉलिंग ऑर्डर। तो अभी बात करेंगे जो MRV के तरफ से जो रहने वाला है, MRV की तरफ से देख सकते हो क्रिस गेल आता है ओपनिंग पे, जो कि 12 रन का पारी खेला था, 12 का पारी खेला था लास्ट मैच में। देन उसके साथ पार्थिव पटेल, जो कि भाई 3 रन का पारी खेला था। मानविंदर पिछला, जो कि भाई 11 का पारी खेला था। कोराई एंडरसन ने 8 का पारी खेला था। ओबूस बेनाट 35 का पारी खेला था। शेहान ने 28 का पारी खेला था। देन कैलविन सेवेज ने 6 का नॉट आउट पारी था। ए सिंह आने वाला है, आर शर्मा, एन साहो, एस श्रीनाथ, देन एन स्टोअर्ट। तो इनके जो प्लेइंग 11, ये भी आप लोग को जरूर स्क्रीन शॉट करके लीजिए, आप लोगों को अच्छे से नॉलेज मदद मिल जाएगा अपने आप से कोई भी टीम क्रिएट करने के टाइम। तो इनका जो प्लेइंग 11 आप लोगों को बता दिया, इनका बॉलिंग ऑर्डर भी बताएंगे। MRV के तरफ से भाई बॉलिंग ऑर्डर में नाजाब साहो 2 ओवर 22 देखे विकेट नहीं। सेबस ने 2 ओवर 23 देखे 1 विकेट। ओबूस पेनर 2 ओवर 18 देखे 1 विकेट। देन राहुल शर्मा 1 ओवर 21 देखे विकेट नहीं। संथा कुमारन ने 1 ओवर किया था, 19 देखे विकेट नहीं मिला था। देन कोरे एंडरसन ने 2 ओवर 19 देखे 1 विकेट लिया था। तो इनका जो प्लेइंग 11, इनका बॉलिंग ऑर्डर पूरा आप लोगों को बता दिया, इन्हीं प्लेइंग 11 इन्हीं बॉलिंग ऑर्डर से आने वाला है दोनों टीम का, आप लोगों को दोनों टीम का बता दिया। आप लोग जो इन्फॉर्मेशन दे दिया, उन्हीं इन्फॉर्मेशन से आप चाहो तो कोई भी टीम अपने आप से क्रिएट कर सकोगे, दूसरे का हेल्प का जरूरत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों के लिए भाई, जो भाई अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, इसी नाम से जाके भाई टेलीग्राम चैनल सर्च करके ज्वाइन हो सकते हो, एंड इसी नाम से एंड टेलीग्राम चैनल के लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट पे मिल जाएगा, और से भी ज्वाइन हो सकते हो।
तो अभी बात कर लेते हैं, मैंने आप लोगों के लिए एक डेमो टीम बना के रखा है, आप चाहो तो इसी टीम से भी ज्वाइन होकर भाई डेली हर एक मैच में वन साइड क्लीन शिप ला सकते हो। लेकिन भाई आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन बता दी है उन्हीं इन्फॉर्मेशन से आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जीएल का फोकस करना है भाई, जीएल फोकस करो, जीएल हासिल करो। एसएल का टीम तो हम ही प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि उसी टीम से आप लोग अगर खेलोगे डेली हर एक मैच में वन साइड क्लीन शिप ला सकते हो। लेकिन आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भाई हेड टू हेड भाई ज़्यादा से ज़्यादा हेड टू हेड कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है। इसी वीडियो को एंड इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, और से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम पे आप लोगों को फाइनल टीम एंड अपडेट मिलती रहती है एंड लाइनअप वगैरह न्यू प्लेयर स्टेटस पूरा मिल जाएगा। और से जाकर भाई ज़्यादा से ज़्यादा जीएल फोकस करो, इतना ही आप लोगों से बोल रहा है। और भाई इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड लव यू ऑल। और भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके मोटिवेट कर दिया करो नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव या इससे भी बहुत बेहतर अच्छा वाला वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। इतना ही, लव यू ऑल। और जीएल हासिल करने का ट्राई करो, जीएल भाई जीएल ज़्यादातर जीएल फोकस करो। लव यू ऑल, बाय।